हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है, जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, आपके प्रॉपर लेक्चर्स लेने के लिए। आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और अगर अभी तक आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो बड़ी ही आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, और उसके बाद अपनी रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक सब्सक्राइब करना है फॉर क्लास 7। द ग्रुप लिंक इज TTB07। ठीक है, जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब कर लेंगे, यानी इसे ज्वाइन कर लेंगे, आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। चलिए, और अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है जो कि वाकई में आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। जी हाँ, हमारी वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा स्टडी मटेरियल ऑप्शन में। हमारी वेबसाइट पे talkingtextbooks.in पे जाके आपको क्या करना है, जाना है स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर, और वहां पे आपको अपनी रेलेवेंट क्लास का कोर्स चूज करना है, जैसे कि फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7th। हमने यहां पर जो है फॉर एग्जांपल 6 सेलेक्ट किया हुआ है, आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्लास 7th आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसमें आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटीरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेज फ्रॉम TTB एक्सपर्ट्स, होमवर्क सबमिशन। यानी कि ये कॉम्प्रिहेंसिव जो मटीरियल जो आपको मिलेगा, उसमें आपको जो है होमवर्क भी दिया जाएगा, और ये होमवर्क आपको जो है कंप्लीट करके सबमिट करना होगा कहाँ पे, गूगल क्लासरूम पे, है ना। और इसी के साथ साथ बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपके लिए रेगुलरली आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे। आई होप आप जो हैं रेगुलरली टेस्ट दे रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं, जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनके साथ के साथ जो है टेस्ट भी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है टेस्ट भी रेगुलर टाइम पे शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट देने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी थ्योरी कंप्लीट है, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, तो आप कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है भर भर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, टेस्ट आपके हुआ करेंगे, और आप उससे अपनी परफॉर्मेंस, अपनी रैंक इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट पैकेज हैं, जो आपका मन करे जिस पैकेज के साथ आप जाना चाहते हैं, यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप जो है उसे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा ऑफर आपके लिए है, दैट इज अ डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं क्या, AM Live, ठीक है, क्या अप्लाई करना है आपको, AM Live अप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा क्या, सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। जी हाँ, 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे क्या, AM Live। और इसे आप सिंपली यहां बाय पैकेज पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ठीक है, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवाल हैं आपके, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111। ठीक है, जैसे ही आप इन नंबर्स पे कॉल करेंगे, आपके सारी क्वेरीज, सारी समस्या दूर कर दी जाएगी। ठीक है, तो नंबर नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। एंड व्हाई वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। क्या बनने के लिए, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया आई होप आपने, और लेक्चर के एंड तक आपको मेरे साथ बने रहना है।
हमारा चैप्टर चल रहा है फाइबर टू फैब्रिक, दैट इज सेकंड चैप्टर, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, आज के आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे प्रोसेस ऑफ फ्लीस इनटू वूल। ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग जो है वहां पर क्या यूज होती है, क्या क्या जो है प्रोसेसेस हम वहां पर यूज करते हैं, क्या करने के लिए, फ्लीस निकालने के लिए वूल से, और उसे किस तरीके से हम फैब्रिक में फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द वूल, ओके, यानी कौन कौन सी जो है ब्रीड की वूल होती है और कौन कौन से आपके जो है दैट इज किस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट एरिया से वूल ऑब्टेन होती है और उसके लिए जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने वूल के बारे में बेसिक चीज़ें हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। दैट इज वूल इज द एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम मेनली शीप, गोट, याक और कैमल। ठीक है, तो आज हम उसकी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस इनटू वूल। ठीक है, यानी कि फ्लीस जो आपके शीप की फ्लीस होती है, फ्लीस क्या होती है, देखिए वूल आप उससे ऑब्टेन कर रहे हैं लेकिन वूल के साथ एक बहुत ही पतली सी स्किन के साथ जो है आप उसकी वूल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, यानी कि हेयर्स तो हो गए उसके, दैट इज वूल, और फ्लीस हो गई उसकी, मतलब बहुत ही पतली सी स्किन के साथ, जो मतलब एक्सपीरियंस रिमूवर है, यानी कि जो शेयरिंग करते हैं उसकी, रिमूव करते हैं फ्लीस को, जो रेयरिंग करते हैं, जो पालते हैं शीप्स गोट्स को, वो जो है एक्सपीरियंस होते हैं इसके अंदर उनकी जो है स्किन निकालने में, यानी कि उनकी फ्लीस निकालने में, जिससे कि उससे वूल ऑब्टेन हो सके, है ना। ऐसे जो है वूल के अगर अपन डायरेक्टली हेयर भी कट करे जाते हैं तो डायरेक्टली कट करते हैं तो वो जो है पूरी हेयर्स ही हेयर्स हो जाएंगे, जैसे आपके हेयर कट होता है तो उस तरीके से जो है हेयर्स ही हेयर बिखर जाएंगे, तो उनको इकट्ठा करना पड़ता है ना। इस तरीके से नहीं, हम क्या करते हैं पूरी जो है बहुत ही पतली सी थिन स्किन हम रिमूव करते हैं, उसके ऊपर जो है वो आपके हेयर्स लगे होते हैं, वूल लगी होती है। ठीक है, तो पूरी हमें जो है इकट्ठी मिल जाती है, इस तरीके से एक पूरा बैगेज सा बन जाता है, ओके, उसे हम बोलते हैं फ्लीस। तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, हेयर और फ्लीस बोल देते हैं, दोनों ही वर्ड को जो है यूज किया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस यूज होती हैं, सबसे पहली होती है शेयरिंग। ठीक है, इनको सबको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद आती है आपकी क्लीनिंग, फिर स्कोरिंग, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। ठीक है, यानी कि पहले जो है कुछ कुछ केसेस में जो है पहले क्लीनिंग और स्कोरिंग कर दी जाती है, उसके बाद भी आप जो है उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर्स, और हो सकता है पहले उन्हें जो है सॉर्ट आउट कर दें और उनको जो है अलग अलग कर दें ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेडिंग, और फिर उसके बाद जो है उनकी क्लीनिंग हो। दोनों ही जो है अप एंड डाउन चलते रहते हैं, मतलब आगे पीछे हो सकता है दोनों के अंदर ही। उसके बाद आती है आपकी ग्रेडिंग और स्पिनिंग। ठीक है, सॉरी, कार्डिंग एंड स्पिनिंग। ठीक है, कार्डिंग करते हैं। ठीक है, कार्डिंग में भी जो है उसको दैट इज टीथ से गुजारा जाता है, रोलर से गुजारा जाता है, जिससे वो फाइबर्स के अंदर जो है अलग अलग हो जाते हैं, लॉन्ग फाइबर्स, शॉर्ट फाइबर्स उसके अंदर अलग अलग हो जाते हैं, फिर उनकी जो है लॉन्ग फाइबर्स को यूज करके उनकी स्पिनिंग की जाती है। ठीक है, स्पिनिंग के बाद उनकी वेविंग की जाती है, वेविंग निटिंग, यानी कि आपने पढ़ा होगा निटिंग में एक ही जो है वूल के लिए फेमस है, मतलब उसके अंदर एक ही वूल का रोल लेकर के उससे जो है स्वेटर्स वगैरह बुन लिए जाते हैं ना। और वेविंग में क्या करते हैं हम, दो तीन तरीके के जो है फाइबर्स और दो तीन तरीके के जो है हम यार्न मिक्स करके उसका फैब्रिक बना सकते हैं, निट कर सकते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके। ठीक है, इसके लिए हम जो है हैंड लूम्स या फिर पावर लूम्स यूज करते हैं। आजकल जो है पावर लूम्स मशीनरी के थ्रू हेल्प से वेविंग की जाती है, फास्ट हो जाती है, पहले जो है हैंड लूम्स का यूज किया जाता था वेविंग करने के लिए, उसके बाद उसकी जो है फिनिशिंग हो जाती है, जिससे कि हम जो है फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, या फिर जो है फाइनल प्रोडक्ट यानी कि आपका फैब्रिक बनने के लिए वो रेडी हो जाती है, पॉलिशिंग वगैरह यहाँ पर की जाती है। ठीक है, चलिए इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, देखते हैं सबसे पहले शेयरिंग क्या होती है, है ना। हम देख रहे हैं प्रोसेसेस फॉर फ्लीस इनटू वूल, है ना, फ्लीस से जो है आप वूल में किस तरीके से जो है उसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी शेयरिंग, है ना, क्या होती है ये शेयरिंग। शेयरिंग में क्या कहते हैं,
साल में एक बार, ठीक है, जनरली जो है स्प्रिंग टाइम पे, है ना, स्प्रिंग टाइम पे, यानी कि गर्मी आने वाली हो, जब जो है सर्दियों का मौसम खत्म हो चुका है, और जो शीप भी है वो क्या करती है, ज़्यादा अपने हेयर्स उसके नेचुरली ग्रो हो जाते हैं विंटर्स के अंदर, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है हेयर्स की क्वांटिटी आ जाती है, यानी कि वूल की क्वांटिटी आ जाती है। उसके बाद गर्मियों में जब गर्मियाँ आती हैं, लाइक समर्स आते हैं, तब उन्हें हेयर्स की ज़रूरत नहीं होती है ना, गर्मियाँ होती है तो उनको अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना होता, तो वो जो है यानी स्प्रिंग टाइम उनका जो है बेस्ट टाइम होता है उनके हेयर्स रिमूव करने के लिए, फ्लीस रिमूव करने के लिए, ठीक है, तब उनके से जो है उनकी फ्लीस निकाल ली जाती है, उनके हेयर्स निकाल लिए जाते हैं टू मेक व्हाट, टू मेक वूल, है ना, वूल बनाने के लिए उनके हेयर्स निकाल लिए जाते हैं। साल में एक बार जो है इसे किया जाता है, और जनरली समर्स के टाइम किया जाता है, यानी समर्स से पहले, ताकि उसे जो है कुछ इफेक्ट ना पड़े, यानी कि उसके हेयर्स चले भी जाएं तो भी शीप को कुछ इफेक्ट ना पड़े, इसलिए जो है स्प्रिंग टाइम में आपके वूल ली जाती है। किससे? शीप। शीप इज शेयर्ड वंस ईयर यूजुअली इन स्प्रिंग टाइम, ठीक है, स्प्रिंग टाइम में जो है उसे शेयर किया जाता है, यानी कि उसके हेयर्स जो है रिमूव किए जाते हैं। अब वेटरन शेयर, वेटरन शेयरर यानी कि जो एक्सपीरियंस शेयरर होते हैं, जो करते हैं इस तरीके का काम, जो कटिंग वगैरह करते हैं या फ्लीस रिमूव करते हैं शीप से, उन्हें हम बोलते हैं वेटरन शेयर, मतलब एक्सपीरियंस होल्डर है। ओके, कैन शेयर अप द 200 शीप्स पर डे, जो एक्सपीरियंस शेयरर है यानी कि जो एक्सपीरियंस कटर है, ठीक है, यानी कि जो इस तरीके के काम करता है, वो क्या कर सकता है, मेनली एक दिन में जो है 200 शीप्स तक आराम से जो है उनकी फ्लीस निकाल सकता है, ठीक है, जैसे कि ये अंकल कर रहे हैं। ओके, द फ्लीस रिकवर्ड फ्रॉम शीप आर वेइंग बिटवीन 16 to 18 pounds, मतलब जो है 2.7 से 8 kilos तक की जो है वहां पर आपको वूल और फ्लीस मिल सकती है, ठीक है। कोई शीप जो है वो वेट करती है कितना वूल, दैट इज डिपेंड करता है उनकी साइज पे। ओके, 2.1 से लेके 8.1 किलोग्राम वूल जो है, एज मच एज पॉसिबल द शिली द फ्लीस इज केप्ट इन वन पीस, उसको जो है जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके एक ही पीस में रखा जाता है ना, पूरी जैसे कोई उसकी जो है स्किन निकाल ली गई है, इसी तरीके से उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि वो एक ही पीस में रहे, ताकि उसको जो है सॉर्ट आउट करना और उसकी स्कोरिंग करना जो है इजी हो सके, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है उसकी फ्लीस निकाली जाती है। वाइल मोस्ट शीप आर स्टिल शेयर्ड बाय हैंड एंड न्यू टेक्नोलॉजीज हैव बीन डेवलप्ड दैट यूज कंप्यूटर्स एंड सेंसिटिव रोबोट कंट्रोलिंग आर्म्स फॉर टू डू द क्लिपिंग, है ना, क्लिपिंग मतलब कटिंग करने के लिए जो है बहुत सी जगहों पे अभी भी हाथ से की जाती है, और बहुत सी जगहों पे जो है जहाँ पर इसका लार्ज स्केल पे जिस इनको जो रेयरिंग करते हैं या फिर इनका वूल का प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पर जो है मशीनरी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर रोबोटिक आर्म और कंप्यूटर सेंसिटिव का सेंसर्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है आसानी से उसकी जो है फ्लीस निकाल ली जाती है, क्लिपिंग कर ली जाती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग के अंदर क्या हो रहा है, हम जो है वूल की फ्लीस निकाल रहे हैं, उनके हेयर्स निकाल रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइम पे, स्प्रिंग टाइम पे, ठीक है, मेनली दे इट इज डन ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम, और मिनिमम या फिर जो है एवरेज 2 to 8 kilos के बीच में जो है एक फ्लीस से, एक शीप से फ्लीस ली जाती है, ठीक है, और ये किया जाता है बाय हैंड्स और बाय मशीन्स और रोबोटिक आर्म्स। ओके, चलिए, नोट किया आपने? ओके, इजी है। शेयरिंग क्या होती है, टू रिमूव फ्लीस फ्रॉम द शीप, अगर एक वर्ड में एक डेफिनेशन लिखे क्या होती है शेयरिंग, टू रिमूव द फ्लीस फ्रॉम द शीप, शीप से जो है उसकी फ्लीस निकालना, उसके हेयर्स ऑब्टेन करना, हेयर रिमूव करना। ओके, अंडरस्टूड, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पहले उनकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग हम इसके बाद करेंगे। तो ग्रेडिंग सॉर्टिंग में क्या हो रहा है, हम उनको ग्रेड्स कर रहे हैं, हाई क्वालिटी है तो जो है उसे अलग कर रहे हैं, थोड़ी लो क्वालिटी है
तो उसे अलग की जाता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर टेक्सचर्स, उनके टेक्सचर्स के बेसिस पे हम उन्हें जो है अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि कोई सॉफ्ट होते हैं, कुछ थोड़े से रफ होती है, तो उसे हम जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और अलग अलग कर लेते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट ऑफ द शीप द वूल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है जो कि वो वूल कहाँ से ली गई है, शीप के पार्ट से, यानी कि उसके जो है स्टमक से ली गई है, उसके शोल्डर से ली गई है, या फिर उसके लेग्स से ली गई है, ठीक है। उस पर जो है वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स देखने को मिलेगा, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, है ना। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स देखने को मिलेगा, वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द शीप, ओके। सो ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, ग्रेडिंग में क्या हो रहा है, ग्रेडिंग इज ब्रेकिंग अप ऑफ द फ्लीस बेस्ड ऑन ओवरऑल क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी के बेस पे हम जो है उन्हें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि किसकी क्वालिटी कैसी है, किसका टेक्सचर किस तरीके का है, ग्रेडिंग जैसे करते हैं ना, है ना, ए बी सी, और ये जो है ए ग्रेड में इस टाइप की जो है आपकी वूल आएगी, बी में जो है इस टाइप की वूल आएगी। इन सॉर्टिंग द वूल इज ब्रोकन अप इन टू सेक्शन ऑफ डिफरेंट क्वालिटी फाइबर्स, ठीक है। यानी कि जो है सॉर्टिंग में हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स के बेसिस पे उन्हें डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिपेंड करता है कौन से पार्ट से जो है आपकी फ्लीस और हेयर्स लिए गए हैं, ठीक है। द बेस्ट क्वालिटी वूल कम फ्रॉम द शोल्डर एंड साइड्स ऑफ द शीप, ओके। यानी कि बेस्ट क्वालिटी वूल कहाँ पे आती है, शीप के शोल्डर्स पे और उसके साइड्स से, ठीक है। साइड्स से जो है उसकी फ्लीस जो है वो बेस्ट क्वालिटी की होती है, ठीक है। और जो साइड से ली जाती है उसे इट इज़ यूज्ड फॉर क्लॉथिंग, एंड लेसर क्वालिटी कम्स फ्रॉम द लोअर लेग्स, लेग्स से ऑब्टेन की जाती है, एंड इट इज़ यूज्ड टू मेक रग्स, रग्स और मैट्स जो हैं उसके लिए दैट वूल इज़ यूज्ड, ओके। और हाई क्वालिटी वूल जो है वो क्लॉथिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है। द वूल और इन द वूल ग्रेडिंग हाई क्वालिटी डज नॉट ऑलवेज मींस हाई ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर वो हाई क्वालिटी वूल है तो वो जो है ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं और जो है ग्रेडिंग करते हैं, है ना। यहाँ पर जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स हैं, आप पिक्चर में जैसे देख सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉर्टर बोलते हैं, सॉर्टरर्स, सॉर्टरर्स, है ना। सॉर्टरर्स क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो इसी से इनका नाम आ गया है, दैट इज सॉर्टरर्स, ओके। ये सॉर्टरर्स क्या करते हैं, जो वूल को क्या करते हैं, ये सॉर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी टेक्सचर के बेसिस पे, उन्हें जो है एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। देख करके इन्हें पता चल जाता है किस टाइप की वूल है, किस पार्ट से ली गई है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही इजीली उसे सॉर्ट आउट कर देते हैं, ग्रेडिंग उसकी कर देते हैं, ठीक है। चलिए नोट किए जी इसे भी जल्दी से, नोट किया आपने, आगे बढ़े। ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, दिस इज योर सेकेंड प्रोसेस, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे उसकी क्लीनिंग, क्योंकि इसके ऊपर जो है बहुत सारी डर्ट और डस्ट भी लगी होती है, ठीक है। शिप कहीं भी बैठ जाती है और कहीं भी जो है कहीं से भी उठा के कुछ भी खा लेती है, और जो है उसके ऊपर बहुत सारी डर्ट और डस्ट लगी होती है, ग्रीस, ऑयल, डर्ट, डस्ट, ठीक है। बहुत सारी जो है मतलब इसे वॉश करना ज़रूरी है, ठीक है। इसे वॉश किया जाता है, सारी जो है इसकी गंदगी रिमूव करने के लिए। सो वॉशिंग हम कैसे करते हैं, यानी क्लीनिंग हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। क्लीनिंग एंड स्कोरिंग, ठीक है। क्लीनिंग और स्कोरिंग, क्लीनिंग भी बोलते हैं और जो है इसे स्कोरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं, वूल इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द शीप इज कॉल्ड रॉ और ग्रीस वूल, ठीक है। यानी कि वूल जो ऑप्टेन हो रही है डायरेक्टली, जो आपकी शीप से ऑप्टेन हो रही है, उसे हम जो है रॉ वूल बोलते हैं या फिर ग्रीस वूल बोलते हैं, ओके। यानी कि उसके ऊपर डर्ट और डस्ट लगी होती है। इट कंटेन्स सैंड, डर्ट, ग्रीस एंड ड्राइड स्वेट कॉल्ड स्विंट, उसे हम क्या बोलते हैं, स्विंट। यानी कि बहुत सारी चीज़ें और स्वेट वगैरह है ना, तो उसे हम जो है डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसे स्पन नहीं कर सकते, यानी कि उसके जो हैं
आप यान नहीं बना सकते डायरेक्टली, ओके। थोड़ी उसमें जो है प्रोसेसिंग चाहिए होती है, जिसके अंदर हम उसे जो है क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं, ठीक है। द रिमूव और टू रिमूव द कंटेमिनेंट्स द वूल इज स्कॉर्ड इन अ सीरीज ऑफ अल्कलाइन बाथ्स, यानी कि जैसे आप खुद भी नहाते हैं सोप से, ओके। तो इसी तरीके से जो है वूल भी उसे भी नहलाया जाता है, धोया जाता है सोप्स से, सोडा ऐश और सिमिलर अल्कलीज, है ना। कुछ भी जो है वहां पर केमिकल्स यूज किए जाते हैं, सोप्स, डिटर्जेंट्स, इसी तरीके के, है ना, जिससे उसका जो है डर्ट डस्ट रिमूव किया जाता है। द बाय प्रोडक्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस सच एज लेनोनिल, ठीक है। लेनोनिल एक जो है ऑयली और ग्रीसी टाइप का सब्सटेंस होता है, ठीक है। यूज फॉर जनरली अ बॉडी हाइड्रेटेड, ठीक है। जैसे आप बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं ना, उसी तरीके से जो है इसके अंदर से जो रिमूव होता है, दैट इज ग्रीस और ऑयल, ठीक है। इसमें से जो है ऑयल निकलता है, उसे जो है एज अ बाय प्रोडक्ट यूज किया जाता है, उसे भी जो है उससे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, दैट इज लेनोनिल, ठीक है। यानी कि इसे भी जो है एज अ हाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है बॉडी पे, जो है आप जैसे बॉडी लोशंस वगैरह लगाते हैं, इसी तरीके से इसे भी यूज किया जाता है। तो वो हमें जो है शीप की वूल से भी मिल जाता है ना। जब हम इसको वॉश करते हैं तो वी गेट दैट लेनोनिल एज अ बाय प्रोडक्ट, ओके। आई सेव्ड एंड यूज इन अ वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर इसे जो है यूज किया जाता है। रोलर्स इन स्कोरिंग मशीन स्क्वीज एक्सेस वाटर, ठीक है। इसके अंदर रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे रोलर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं, जो क्या कर लेते हैं, उसका एक्सेस वाटर को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द फ्लीस, फ्लीस में से जो है एक्सेस वाटर वो रिमूव कर देते हैं। बट द फ्लीस इज नॉट अलाउड टू ड्राई कंप्लीटली, उसे जो है पूरी तरीके से नहीं सुखाते, ठीक है। थोड़ा उसके अंदर मॉइस्चर रहता है, लेकिन जो है एक्सेस वाटर, यानी कि बहुत सारा वाटर जो है उसको डुबो डुबो के जो है बड़े बड़े टैंकर्स के अंदर धोया जाता है, वहां से उसका जो है वाटर रिमूव कर दिया जाता है रोलर्स की हेल्प से, ठीक है। दबा के और जो है उसे निचोड़ते हैं, जैसे हम उस तरीके से जो है उसे निचोड़ लिया जाता है, ओके। अंडरस्टूड? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीनिंग एंड स्कोरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीनिंग बोलते हैं और स्कोरिंग बोलते हैं, ओके। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका जो वूल हमने ऑप्टेन की है थ्रू लाइक शीप, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रॉ वूल और ग्रीस वूल, ठीक है। फिर उसे क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है अल्कलाइन बाथ के अंदर, यानी कि सोप से और डिफरेंट टाइप के अल्कलीज से, और फिर उसके साथ जो है यहाँ पर हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है लेनोनिल, ठीक है, जिसे जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर और हाइड्रेटिंग एजेंट्स की तरह यूज किया जाता है। एंड वी रिमूव द एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर हम उसके अंदर से रिमूव कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो वूल है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है ना, यानी कि पूरा ड्राई नहीं करते, उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है। जल्दी से नोट कीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। नोट किया आपने? अंडरस्टूड? क्लीनिंग एंड स्कोरिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग एंड शेयरिंग, बहुत सिंपल सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। बहुत इजी इजी है। शेयरिंग में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, क्लिपिंग कर रहे हैं, हेयर्स को रिमूव कर रहे हैं, फिर उन्हें जो है डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग, ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है हम उसे क्या कर रहे हैं, क्लीन आउट कर रहे हैं, यानी कि उसे की क्लीनिंग कर रहे हैं, उसके अंदर से डर्ट और डस्ट को रिमूव कर रहे हैं। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इसके बाद आती है हमारी क्या, इसके बाद आती है हमारी कार्डिंग, ठीक है। वो ग्रेडिंग थी, ये क्या है, कार्डिंग है। कार्डिंग के अंदर क्या हो रहा है, कार्डिंग के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के जो है फाइबर्स अलग हो गए, ठीक है। यानी कि फ्लीस थी, यहां पर वूल फाइबर्स थे, वो फाइबर्स डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट आउट हो चुके हैं, सेपरेट आउट हो चुके हैं किस तरीके से, कॉम्बिंग की हेल्प से। यानी कि हमारे पास यहाँ पर रोलर्स हैं जिसके अंदर टीथ्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस वूल को जो है क्या बोलते हैं, उसे स्क्रीज करते हैं, ठीक है। यानी कि उसे जो है कॉम्बिंग में, जैसे आप कॉम्ब करते हैं तो आपके बाल जो है स्ट्रेट आउट हो जाते हैं, इसी तरीके से वूल भी जो है स्ट्रेटन हो जाती है, ठीक है।
स्वीट हो जाती है और जो है डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स आपके सेपरेट आउट उसके अंदर हो जाते हैं। लॉन्ग फाइबर्स को जो है एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, शॉर्ट फाइबर्स जो है अलग तरीके से जो है इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वहां पर भी जो है हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उन्हें स्ट्रेटन कर लेते हैं। ठीक है, द फाइबर्स आर पास थ्रू अ सीरीज ऑफ मेटल टीथ, है ना, इन रोलर्स के ऊपर जो है मेटल टीथ्स लगे होते हैं, उसमें से उसे पास किया जाता है, दैट स्ट्रेटन द ब्लेंड। ठीक है, जो उलझे हुए आपके फाइबर्स होते हैं उन्हें जो है स्वीटन कर लिया जाता है, देम इनटू स्लाइवर्स, है ना, ये क्या है, स्लाइवर है। और कार्डिंग आर आल्सो रिमूव, कार्डिंग के अंदर जो है बची हुई आपकी डर्ट वगैरह भी रिमूव हो जाती है, एंड अदर मेटल लेफ्ट इन द फाइबर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है अच्छी खासी आपकी क्लीनिंग हो जाती है, टीथ से जब रिमूव करते हैं कुछ अगर डर्ट वगैरह भी बच जाए तो वो भी यहाँ पर जो है अलग अलग हो जाती है, यानी कि रिमूव हो जाती है। कार्डेड वूल इंटेंटेड फॉर वॉर्स्टेड यान, ठीक है, उसे जो है वॉर्स्टेड यान उसे बना लिया जाता है, इज पुट थ्रू गिलिंग एंड कॉम्बिंग, टू प्रोसीजर्स दैट रिमूव शॉर्ट फाइबर्स एंड प्लेस देम एंड प्लेस द लॉन्गर फाइबर्स पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि शॉर्ट फाइबर्स और जो है लॉन्ग फाइबर्स इसके अंदर अलग अलग कर लिए जाते हैं, लॉन्ग फाइबर सारे पैरेलली जो है अलग कर लिए जाते हैं और यान के बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम देयर द सीकर स्लाइवर आर कॉम्पैक्टेड एंड थिंड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ड्रॉइंग, यहाँ पर जो है उसे लॉन्ग फाइबर्स को जो है ड्रॉ आउट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है और उनसे जो है एक लॉन्ग फाइबर्स को पैरेलली रख के उससे जो है यान में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यान किस तरीके से होगा, स्पिनिंग के बाद। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है उसके पूरी बेल्स बना ली जाती है। ठीक है, कार्डेड वूल टू बी यूज टू वोलन इनटू यान इज सेंट डायरेक्टली फॉर स्पिनिंग, इसके बाद जो है इसे स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है, क्योंकि उसके अंदर से जो है हमें बड़े बड़े जो है लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स मिल चुके हैं। ठीक है, शॉर्ट फाइबर्स अलग हो चुके हैं, इस तरीके से रोलर्स के अंदर जो है इसे बार बार घुमाया जाता है, घुमाने से जो है सारी आपकी वूल जो भी ब्लेंडेड वूल होती है ना उलझी हुई, वो सारी जो है स्ट्रेटन हो जाती है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, कार्डिंग प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, हम उस वूल को, उलझी हुई वूल को, जो भी सिकड़ी हुई है या फिर जो भी श्रिंक्ड है, उसे हम जो है दूर दूर कर रहे हैं। ईच फाइबर वी आर मेकिंग इट एज अ सेपरेट फाइबर और हम उसे जो है स्ट्रेटन कर रहे हैं। ठीक है, चल नोट कीजिए, लॉन्ग और शॉर्ट फाइबर्स इसमें जो है हम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग फाइबर्स आर सेपरेटेड एंड शॉर्ट फाइबर्स आर सेपरेटेड अलॉन्ग। ठीक है, अंडरस्टूड। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बड़ी आसानी से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर के दौरान या फिर लेक्चर के बाद में भी। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। नोट किया आपने, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास, इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद हमारे पास यहां पे क्या लिखी हुई है, द यान इज डायरेक्टली सेंट फॉर स्पिनिंग। ठीक है, इसके बाद जो है हम उसे किसके लिए भेज देते हैं, स्पिनिंग के लिए भेज देते हैं। ठीक है, स्पिनिंग आपको पता है, स्पिनिंग में जो है हम आपके फाइबर्स को लेके ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करने से जो है वो एक थ्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके अंदर, थ्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी क्या, स्पिनिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी कौन सी, स्पिनिंग। स्पिनिंग के अंदर क्या कर रहे हैं हम, थ्रेड इज फॉर्म्ड बाय स्पिनिंग द फाइबर टुगेदर। ठीक है, फाइबर्स को जो है स्पन करके और ट्विस्ट करके हम क्या बना रहे हैं, एक थ्रेड बना रहे हैं। From a long strand of yarn, the strand of spun into two, three or four, और तीन चार जो है strands के अंदर जो है उसे twist कर लिया जाता है। ठीक है, since the fiber clinch and stick to one another, it is fairly easy to join, extend and spin wool into yarn. ठीक है, उसे जो है आपको that is पुराने तरीके से या फिर जो है मॉडर्न तरीके से बड़े बड़े रोलर्स के अंदर जो है उसे स्पिन कर लिया जाता है। दो तीन जो है वहाँ पर हम थ्रेड्स को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखा ही होगा आपने वूल के जो है बड़े बड़े गुच्छे से, ठीक है, रोल्स आपने देखे होंगे वूल के। ठीक है, गोल गोल से रोल्स होते हैं,
उन्हें जो है किस तरीके से बनाया जाता है, स्पिनिंग के थ्रू, ठीक है, स्पिनिंग के थ्रू जो है इट इज फाइनली कन्वर्टेड इंटू यार्न, जिससे आप फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ यार्न द स्ट्रैंड इज स्पन इंटू टू थ्री और फोर, ठीक है। एक से ही जो है हम दो तीन या चार पांच स्ट्रैंड बना लेते हैं। सिंस फाइबर्स क्लिंज एंड स्टिक टू वन अनदर, जो फाइबर्स हैं एक दूसरे से चिपक जाते हैं, क्लिंज हो जाते हैं, इज फेयरली ईजी, ये करना जो है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ वुलन यार्न इज टिपिकली डन बाय अ मूली स्पिनिंग मशीन, ठीक है। इसकी जो है स्पिनिंग मशीन थोड़ी अलग होती है, और जिसे हम बोलते हैं मूली स्पिनिंग मशीन। व्हाइल वोस्टेड यार्न कैन बी स्पन ऑन एनी नंबर्स, ठीक है, जो वोस्टेड यार्न होती है कैन बी स्पन, यानी कि उसे जो है कितने ही नंबर्स में, कितने ही जो है स्ट्रैंड्स के अंदर स्पिनिंग कर लिया जाता है थ्रू मशीन्स, ठीक है। आफ्टर यार्न इज स्पन इट इज रेप्ड अराउंड द बॉबिन्स, कोन्स और कमर्शियल ड्रम्स, ठीक है, जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से उसे जो है स्पन कर लिया जाता है, ठीक है, थ्रू द मशीनरीज। ओके, इसके अंदर एक और प्रोसेस आती है कि डाइंग, यानी कि हम जो है उसे डिफरेंट डिफरेंट कलर किस तरीके से देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर हम उसे जो है लास्ट में भी दे सकते हैं, जब हम उसका जो है फैब्रिक बना चुके हैं उसके बाद भी उसे कलर किया जा सकता है, या फिर उसे जो है वॉश करने के बाद जब हमारी कार्डिंग प्रोसेस हम करते हैं, यानी कि इससे पहले वाली प्रोसेसिंग हम करते हैं, तब भी उसे जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर से अंदर डाई कर दिया जाता है, ठीक है। जनरली व्हाइट कलर की होती है, बहुत सी जगहों पे जो है शीप की ब्रीड अलग होती है, यानी कि ब्राउन कलर की होती है, तो वहां पर भी जो है उसे अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट डाइज के अंदर जो है डाई कर दिया जाता है, ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर उसे डाई कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, चलिए, नोट किया आपने, आगे बढ़े। स्पिनिंग प्रोसेस, स्पिनिंग में क्या कर रहे हैं हम, सिंपल प्रोसेस है, क्या करते हैं फाइबर्स को स्पिन करके ट्विस्ट करके यार्न के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि उससे फैब्रिक बनाया जा सके बड़ी ही इजी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी इसके बाद, दैट इज वीविंग। वीविंग में क्या कर रहे हैं हम, उसे वीविंग कर रहे हैं उसकी, ठीक है। निटिंग और वीविंग दो तरीके की प्रोसेस होती है, जिससे आप जो है यार्न से फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो है क्लॉथ बन गया या फिर फैब्रिक बन गया, कुछ भी जो है स्वेटर या फिर जो है शॉल या फिर जो है कुछ भी कारपेट वगैरह आप बनाते हैं इससे, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, वीविंग के प्रोसेस। वीविंग में क्या होता है, द वूल इज वोवन इनटू फैब्रिक, इससे जो है फैब्रिक बना लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तो जो है हॉरिजॉन्टल जा रही है और एक जो है वर्टिकल जा रही है, तो दो तरीके से जो है इसके अंदर यार्न मूव करती है, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, ठीक है, दोनों ही जो है क्रिस क्रॉस फॉर्म में मूव करती हैं, जिससे कि आपका जो है एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज योर फैब्रिक। वूल मैन्युफैक्चरर यूज बेसिक वीव्स, द प्लेन वीव एंड द ट्विल, ठीक है, दो तरीके के जो है यहाँ पर वीविंग की जाती है, ट्विल यानी कि ट्विस्ट और जो है यानी कि आपकी दैट इज सिंपल प्लेन वीविंग। ओके, द वूलन यार्न आर मेड इन टू फैब्रिक यूजिंग अ प्लेन वीव, यानी कि वूलन यार्न जो है सिंपली प्लेन वीविंग के थ्रू जो है फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट कर ली जाती है, विच प्रोड्यूसेज द फैब्रिक ऑफ सम वॉट लूजर वेव एंड अ सॉफ्ट सरफेस विद अ लिटिल और नो लस्टर, ठीक है, यानी कि उसे जो है किसी लूजर स्ट्रेंड के थ्रू, लूजिंग लूजर वेविंग के थ्रू, ठीक है, जो कि वो आसानी बाद में आसानी से खुल सके, या फिर जो है उसे बाद में जो है टाइट कर लिया जाता है, टाइटन कर लिया जाता है, डिपेंड करता है उसके अंदर जो है लस्टर है कि नहीं, यानी कि शाइन कर रही है नहीं कर रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वोस्टेड यार्न कैन क्रिएट फाइन फैब्रिक विद एक्विजिट पैटर्न, एक्विजिट पैटर्न्स यूजिंग अ ट्विल वेव और वीविंग, ठीक है, द रिजल्ट इज अ मोर टाइट वोवन स्मूथ फैब्रिक एंड बेटर कंस्ट्रक्टेड वोस्ट यार्न, मोर ड्यूरेबल देन वूलन, देयर फोर दे आर मोर कॉस्टली, ठीक है, यानी कि जो आपकी वोस्टेड यार्न होती है वो मोर टाइटली
जो है वीव की जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और इसी वजह से वो जो है ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी से, फिर हम जो है हमारी नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर आते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, इसके बाद हमारे पास जो है लास्ट प्रोसेस बचती है ना। इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड योर फिनिशिंग, है ना। लास्ट प्रोसेस क्या है हमारी, फिनिशिंग है। फिनिशिंग में क्या कर रहे हैं हम, आफ्टर वीविंग बोथ रोस्टेड एंड वूलन अंडरगो अ सीरीज ऑफ फिनिशिंग प्रोसीजर, जिसके अंदर क्या होता है उनकी पुलिंग होती है। पुलिंग में क्या करते हैं, इमर्सिंग द फैब्रिक इनटू वाटर टू मेक द फाइबर्स इंटरलॉक। ठीक है, उनके बीच में जो है कुछ स्पेस ना रहे, दोनों आपस में अच्छे से जुड़ जाएं, इंटरलॉक हो जाएं, है ना, बंध जाएं। क्रैबिंग, क्रैबिंग के अंदर क्या होता है, परमानेंटली सेटिंग द इंटरलॉक, उसके अंदर जो है इंटरलॉक परमानेंट सेट हो जाता है, जिससे कि जो है वो बाद में बार बार खुल ना सके। सॉफ्ट होती है तो कुछ भी जो है थोड़ा सा करके उसे खुल जाती है ना। तो जो है वहां पर खुले ना अच्छी तरीके से जो है। वूलन के आपने बहुत सारे जो है कमर्शियल फैब्रिक्स भी देखे होंगे, है ना, यानी कि जो स्वेटर आते हैं कुछ ब्रांडेड स्वेटर्स होंगे, है ना, उसके अंदर जो है बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहती। अगर आप जो है हाथ से बुने, नेटिंग करें वूल की, तो वहां पर आपको जो है थोड़े थोड़े स्पेस दिखेंगे, वो इतने टाइटली पैक नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो है रेडीमेड क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वूलन के रेडीमेड क्लॉथ्स रहते हैं, उसके अंदर जो है इन प्रोसेसेस को यूज किया जाता है, फुलिंग को और क्रैबिंग को, जिससे कि वो अच्छे से इंटरलॉक हो जाए। डिकेटिंग यानी कि श्रिंक प्रूफ, वूल जो है बाद में अगर आप उसको धोएं, बार बार जो है उसको क्लीन करें, तो वो श्रिंक ना हो, सिकुड़े ना, ठीक है, यानी कि वैसा का वैसा ही रहे, एंड ओकेजनली डाई। ऑल्दो द वूल फाइबर कैन बी डाइड बिफोर द कार्डिंग प्रोसेस, यानी कि उसे जो है कार्डिंग से पहले भी आप उस वक्त डाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर उसे जो है बना सकते हैं, उन्हें कुछ भी कलर दे सकते हैं। और इट कैन बी डन आफ्टर द वूल हैज बिन वोवन इनटू फैब्रिक, यानी कि पूरा जो है फैब्रिक बनाने के बाद भी आप उसे कलर दे सकते हैं, डाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, सो दीज आर द फिनिशिंग प्रोसेसेस। एक है आपकी कौन सी, पुलिंग, और है एक क्रैबिंग, और एक है आपकी डिकेटिंग, ठीक है, और उसके बाद जो है डाइंग कर ली जाती है अगर इफ इट इज नॉट डन बिफोर। ठीक है, तो ये चार तरीके की प्रोसेस मेनली और कॉमनली होती है, ठीक है, टू मेक अ वूल फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी कि एक फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी ये तीन चार प्रोसेसेस जो है की जाती है। अंडरस्टूड, फिनिशिंग, ठीक है, लास्ट प्रोसेस आपकी नोट कीजिए जल्दी से, फिनिशिंग के अंदर क्या कर रहे हैं हम, उसे अच्छे से जो है श्रिंक प्रूफ बना रहे हैं और जो है उनके फाइबर्स को इंटरलॉक कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं पे जो है कुछ केमिकल्स यूज करके उसे जो है थोड़ा लस्ट्रस भी बनाया जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड द फिनिशिंग, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ वूल। अब आपको पता ही है वूल से जो है किस किस तरीके के आपके फैब्रिक्स आते हैं, किस किस तरीके की जो है हम ये इसकी क्लॉथिंग यूज करते हैं। वूल इज यूज फॉर मेकिंग कोट, सूट, शॉल्स, स्कार्फ्स, ग्लव्स और कारपेट्स। ठीक है, इतने सारी चीजें जो है वूल से बनाई जाती है। इट ट्रैप्स एयर एंड सो इट हैज इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। ये क्या कर लेती है, ट्रैप अंदर एयर को अपने अंदर जो है ट्रैप कर लेती है। आप पहनेंगे तो एयर को जो है ये बॉडी के अंदर जो है पास आउट नहीं होने देती, अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देती, इसलिए जो है इसके अंदर क्या है, एक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है ना, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जो है ये आपको ठंड में कोल्ड से बचा के रखती है ना, विंटर्स में कोल्ड से बचा के रखती है आपको क्या, वूल। ओके, इसलिए जो है इसे ज्यादातर विंटर्स में पहना जाता है। ठीक है, क्या क्या बन रहे हैं इसे, कोट, सूट, शॉल, स्कार्फ, ग्लव्स और कारपेट्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी जो है फैब्रिक्स बन रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके क्लॉथिंग और ड्रेसिंग मटेरियल्स बनते हैं। इसमें जो है एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी होता है। ठीक है, यानी कि वूल को जब आप
क्लीनिंग करते हैं या फिर सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है डर्ट डस्ट रहती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है उसका स्वेट भी रहता है और कुछ बैक्टीरियाज भी रहते हैं। तो उस वक्त जो है सॉर्टिंग करते वक्त आपके सॉर्टर्स जो होते हैं, जो इसकी सॉर्टिंग करते हैं, उनको डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। बैक्टीरियाज इसके अंदर होते हैं। वाइल सॉर्टिंग द वूल वर्कर्स, मतलब सॉर्टर्स जो इसे अलग अलग कर रहे हैं, गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स, है ना, एंथ्रेक्स नाम के बैक्टीरिया से जो है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, जिससे उन्हें एक डिजीज लग सकती है, फैटल डिजीज कॉल्ड सॉर्टर डिजीज। इसका नाम ही जो है क्योंकि सॉर्टर्स को लगती है, जो इसे सॉर्ट करते हैं, तो इसका नाम भी जो है सॉर्टर डिजीज ही रख दिया गया, ठीक है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऐसे जो है रिस्क को हम तो बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, यानी कि काम करते वक्त जो है इंडस्ट्रीज में कुछ सॉर्टर्स को, कुछ वर्कर्स को इस तरीके की बीमारी लग जाती है, ठीक है। ब्लड डिजीज है, फेटल ब्लड डिजीज है, और इसे हम बोलते हैं क्या, सॉर्टर डिजीज, है ना। जनरली जो है आपके शीप जो रेयरिंग करते हैं, उन्हें पालते हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करते हैं और उनके जो हैं वूल को सॉर्टिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं, उनको ये बीमारी लगती है, ठीक है। चलिए इसे हम जो है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंदर काउंट करते हैं। अंडरस्टूड, नोट किया आपने, यूजेस ऑफ वूल एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी वूल जो है डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटी कितने जो है तरीके की होती है और कहां कहां से ऑप्टेन होती है, ठीक है। भाकरवाल शीप का नाम है, भाकरवाल कहां पे मिलेगी आपको, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगी, कहां पे, जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसकी वूल किस तरीके की होती है, फाइन क्वालिटी वूल होती है, जिससे आप शॉल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। रामपुर और योर बुशेर, है ना, ये कहां पर मिलेगी आपको, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगी, ठीक है। ब्राउन कलर की इसकी जो है हेयर्स होते हैं, ब्राउन कलर की वूल यहां से ऑप्टेन होती है, ठीक है। नली, नली शीप आपको मिलेगी कहां पर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंदर, ठीक है। इनकी ब्रीडिंग जो है वो अलग अलग है, यहां पर इट इज यूज टू मेक कारपेट, इस तरीके की जो है शीप गोट से आप क्या बनाते हैं, उनके हेयर से, उनके फ्लीस से आप कारपेट्स बनाते हैं। लोही, ठीक है, लोही आपकी शीप और गोट, ठीक है, ये आपको मिलेगी राजस्थान पंजाब के अंदर, गुड क्वालिटी होती है और इससे जो है फैब्रिक्स भी बनते हैं, बहुत सारे कपड़े जो हैं इनके हेयर से, इनकी फ्लीस से बनाए जाते हैं। मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी आपको गुजरात में मिलेगी और पाटनवाड़ी भी आपको गुजरात के अंदर मिलेगी, जिसमें जो है कोर्स वूल और गुड क्वालिटी वूल जो है रहती है दोनों की, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर ब्रीड, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटी ऑफ वूल, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शीप्स जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर मिलती है, ठीक है। सो इनसे जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ब्लैंकेट्स और आपकी शॉल्स, कारपेट्स और जो है रग्स हो गए, ठीक है, स्कार्फ्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है इससे बनाई जाती है। अंडरस्टूड, इसे भी जो है एक बार आप जो है नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एज वेल। चलिए आगे बढ़े, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आज, है ना। चलिए लेक्चर खत्म करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, तिब्बत और लद्दाख के अंदर किस तरीके की वूल जो है वो कॉमनली आपकी होती है, ठीक है, कहां पर होती है। तिब्बत और जो है लद्दाख के अंदर आपको मिलेगी कौन सी, अंगोरा वूल, आंसर कीजिए जल्दी से, क्या है, अंगोरा वूल आपको जो है मिलेगी कहां पर, तिब्बत और लद्दाख के अंदर। अंडरस्टूड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा आपने, चलिए इसका आंसर आप कीजिए सबसे पहले, बहुत ही इजी है, अभी अभी हमने पढ़ा है, जस्ट दो मिनट पहले ही हमने ये पढ़ा है ना, इसका तो आंसर आप कर सकते हैं। देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से बच्चे जो हैं इसका करेक्ट आंसर करते हैं। क्वेश्चन है, द बैक्टीरियम बाय विच पीपल वर्किंग इन वूल इंडस्ट्री गेट इन्फेक्टेड, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, बिल्कुल सही, क्या आंसर किया है आपने, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
ठीक है, मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं लेक्चर को और नोट कर रहे हैं, आंसर है आपका एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स नाम के बैक्टीरिया से फेटल ब्लड डिजीज लगती है जिसे हम बोलते हैं सॉर्टेड डिजीज। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच प्रोसेस फ्लीस ऑफ शीप विद स्किन और इज और आर रिमूव्ड, कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर उसकी जो है स्किन रिमूव की जाती है और उसके हेयर्स निकाले जाते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है वो? सबसे पहली प्रोसेस होती है शायद, है ना, शेविंग। शेविंग करते हैं क्या? जी नहीं। क्या करते हैं उसकी? रिफाइनिंग करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम उसकी क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। कितनों ने कई सही आंसर दिया है? क्या करते हैं हम उसकी? शेयरिंग करते हैं, बहुत सही। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन साउथ अमेरिका वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, साउथ अमेरिका के अंदर किस तरीके की जो है आपकी गोट और ब्रीड और किस तरीके के एनिमल से आपकी जो है वूल ली जाती है ना, वूल कहां से ऑब्टेन होती है साउथ अमेरिका में, किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं जिससे आपकी वूल ऑब्टेन होती है? हमने जो है हमारे पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रीडिंग देखी थी शीप्स की। ठीक है, तो याक और शीप तो आपको इंडिया में भी मिल जाएंगे, अंगोरा गोट अभी हमने देखा कहाँ, जम्मू कश्मीर और हमारे तिब्बत लद्दाख के अंदर। ठीक है, और गोट और शीप आपको नॉर्मली पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात के अंदर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन लेमा और एल्पेका जो है वो हमें कहाँ मिलेगी? साउथर्न अमेरिका के अंदर। ठीक है, वहां पर हमें जो है आपको लेमा और एल्पेका देखने को मिलेगी। ठीक है अंडरस्टूड। चलो यही थे आपके लिए आज के क्वेश्चंस। आई होप आपने जो है लेक्चर को ध्यान से सुना और प्रॉपरली इसके नोट्स लिए। ठीक है चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, जोर से लाइक बटन प्रेस कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए। यार बेल आइकन जो है छोटी सी घंटी है, बजा के भाग जाइए जैसे कि आप डोरबेल बजा के भागते हैं। ओके मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।